पर हमलत है, लगातार लड़कियों पे दबाव बनाने लग रही है, छात्राओं पे ग्राह भी जान लग रही है और इसी से बयान देने लग रही है। बिल्कुल पूरे समाज ने और जो सब है ये इंसाफ हो उन्हें खंडन करना चाहिए। और आज जो एसडीएम साहब है वो सुन ले जानते हैं कि आम उड़े थे जाओ नहीं गे, जब तक ही नहीं जाओगे कह तो आईटीआई में मैडम जाओगी काम जावांगे, या सिटी करके आए हैं भाई के एसडीएम साहब है यह बात सुन ले गोरते कि चौथा दिन हाज और कोई कार्रवाई नहीं। तो आम जब जाओगे जब एसडीएम साहब वह आईटीआई प्रिंसिपल ने कम से कम निलंबित करे उस पर कार्रवाई हो वो भी चाह, लेकिन कार्रवाई वो जब वह गला बैठे न के आईटीआई में हुआ 9 बजे आके 5 बजे थी मारी छाती भूखे रखे हुआ और आप कुछ करते नहीं आप बोलते ही नहीं। तो यो मारी मांग है आज ज्ञापन पत्र जो हम देवांगे वो इसे शर्त पर देवांगे और जत ही नहीं देंगे जत ही मारती आश्वासन नहीं दिया जाता कोई फायदा नहीं है ज्ञापन का, फिर के देना है ज्ञापन आके आश्वासन की जगह कार्रवाई की मांग नहीं करते जत ही उन कह दियो भाई ज्ञापन भी नहीं देवांगे और उ आके मतलब बात करे एसडीएम साहब जब भी वो कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे हैं जब भी आज हम उरे खड़े हैं सारी जो बेबियारी है वो उरे रुकेंगी। तो सारे जितने भी सीआईडी वाले भाई हैं और ये जो पुलिस अधिकारी है वो सुन ले कि आपके छोरे या आपकी बेटी भी कितने जानी होगी, आपकी बेटी असेती हो जा रहे तो आप एक कलम की असेती करते हो, लेकिन आज वह मजदूरा की बेटी है किसाना की बेटी है, लेकिन आज आप उधर खड़े होके सिर्फ माटी रोकने का काम करो, एक्सीडेंट पे नहीं मिलना बाहर खड़े हो जाओ पूरे गाड़ी खड़ी है के बाद मांग कौन दिखने खड़े मारी मांग कौन दिख दी हमने। तो ये बात हम पूरे बताने आए हैं कि जब तक नहीं जाओगे एसडीएम साहब पूरा आश्वासन नहीं देंगे। डिमांड जो है वह एसडीएम साहब की पहले भी पहुंच गई, जापान पहले भी पहुंच गई, वह मैडम मोनिका जब तक निष्कासित नहीं होगी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हम पूरे तरह आईटीआई के स्टूडेंट जीते नहीं जाएंगे, जाओगे या नहीं जाओगे भाई बिल्कुल नहीं जाओगे। और जो लगातार हम पूरा लग रहे हैं पीछे जा रहे हैं या सरकार सुन ले या प्रशासन भी सुन ले, प्रशासन भी सुन ले के हम लगातार उड़े उड़े जान लग रहे हैं इस बात का नहीं के हमारे दर्द नहीं है, हम यह भी बता देना चाहो तो कार्रवाई होगी आगे तो कार्रवाई होगी ना वह उसके खातिर जो एसडीएम और आसिफ प्रशासन जिम्मेदार होगा। जो एसडीएम आसिफ प्रशासन है ना वो जिम्मेदार है कि आज हम पूरा आने लग रहे हैं हमने धरने देने लग रहे हैं देने पड़ रहे हैं और आईटीआई में वो मैडम आराम तो बैठी है कि यह प्रशासन है इनका, इन्हें सोचना पड़ेगा और मात्र तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बार आएंगे भाई। और ये जो मैडम बार बार कह रही ना भाई खाकी तो मेरी गोद में है तो भाई सारे खाकी उसकी गोद में होता बताओ ये सत्य साहब की जवाब है भाई एक मिनट मेरी बहनों बताओ ये सत्य साहब है ना क्या करेंगे सत्य साहब वहाँ पे समझौता किस बात का समझौता कर लिया हमें क्या हमारे सम्मान में समझौता करेंगे जी हमें। एक बात बताऊं बालकर साहब आप पहले ये बताओ हमने इस बात से कोई मतलब नहीं होता समझौता करना और करना वो काम प्रशासन का जो कार्रवाई बढ़ती हो जबरदस्ती दबाव बढ़ा जा रहा वो मैडम वहाँ पे पड़े पता क्या बोल रही है बच्चों का सुन वो अभी भी दबाव बढ़ा रही है और कह रही है कि मैंने झूठ तुम लिख के दो कि हम गाली देते मेरे को नहीं पता कैसे लिख के दो झूठ बात है वो कह रही है लिख के सर वो ये कह रही है कि तुम बच्चों लिख के दो कि मैंने तुम्हें कभी गाली दी तो ये बच्चे झूठ कैसे बोल दे ना बोले। लेकिन एक बात बताऊं जो विभाग है वो विभाग का एडिशनल डायरेक्टर आ रहा था बेटा आपके लोगों के बयान लिख के ले गया है ले गए ना ये सही है उस स्टाफ का भी ले गया कार्रवाई चल रही है जो करने लग रहे हैं जो कार्रवाई है ना नहीं चाहिए और सुनो सुनो प्रशासन के लोग ये अपनी जिम्मेदारी निभा ले मेरी कुछ बहनें वहाँ पे एसडीएम वहाँ पे बैठी हुई है उनको आने दिया जरा तो उन 5-6 बहनों को सम्मान के साथ अभी ले जाओ ऐसे और कहीं ऐसे मिल सके
नोटिस और निकाला है, जो प्रदर्शन करण आईटीआई में जाओगा उसको बर्खास्त कर दिया जाओगा। प्रिंसिपल ने बर्खास्त कर देंगे, प्रिंसिपल की कई मत है, बर्खास्त कर देगी प्रिंसिपल, मारी जेब तक तनखा जाओ उसकी। ठीक है तो भाई इस तरह मनमानी की सजा लगी थी, कई तहसीलदार में मेंशन होंगे बात के लिए, और बात तहसीलदार साहब के बात ऐसा ही। देखो आप हमारी बड़ी बहन है, आपका मान सम्मान है, हमने पहले आपसे बातचीत कर ली है, अब आगे आ जाओ, पहली बात क्यों कर रहे हो यार भाई, एक मिनट रुक जा भाई, ये बच्चे हैं भविष्य है, ये भी आईपीएस लगेंगे, ये भी आईपीएस लगेंगे। एग्रेसिव नहीं, जब हम एक मिनट भाई मेरी बहनों से अपील, एक मिनट रुको बहन जी, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट आराम से। आप लोगों ने तहसीलदार से बात कर ली भाई, कर ली थी तो बहन जी आपने कोई कार्रवाई करी नहीं, ज्ञापन दे दिया इन्होंने, आपने कोई कार्रवाई नहीं करता, आपके का फायदा क्या? मैडम जो छात्र इनका कहना है कि बार बार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। 30 तारीख को मैं तो चंडीगढ़ थी आरटीआई ऑफिस में, दूसरे तहसीलदार हो गए, तहसीलदार हो गए, तो हमने चीफ बहन जी जब तहसीलदार से हमारा समाधान नहीं होना गया तो हम ऐसा है, हम आपके साथ हैं, आपकी जो भी डिमांड है या मांग है, जो भी आपका मतलब आपको कुछ लग रहा है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है वो आप हमें बताएं। बहन जी है ना, आप यहाँ पे एसडीएम साहब गौरव लाल है, आप भी कमेटी में रहो और एसडीएम को उससे बाद बाद में बात करेंगे, पहले बात नहीं करते। हाँ बाहर हो एसडीएम साहब, गंगा नहीं बन गई, एक मिनट जो